चलिए जी बताइए कि आपको मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा सीरियल कौन सा लगता है। मैं बताऊं, मुझे अपना लगता है खुदा और मोहब्बत, वो भी सीजन 1। पता नहीं क्या बात थी उस सीरियल में कि मैंने जितना भी काम किया यहाँ या इंडिया में या कहीं भी, जो मुझे रिकग्निशन सही जो मानों में मिली है ना, जो प्यार मुझे मिला है वो जितना खुदा और मोहब्बत से मिला है वो किसी सीरियल से नहीं मिला। ये बात मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ चीज़ें बस इतफाक से बन जाती हैं, मिल जाती हैं, और मुझे भी लगता है वो प्रोजेक्ट मुझे मिला और वो इतना खूबसूरत सीरियल बन के निकला। और जितनी फैन फॉलोइंग मैंने अपनी उस सीरियल के हवाले से देखी है, कमाल, हर चीज उसमें मतलब कमाल थी। उसके उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, ऑल्दो वो पहला वाला सीरियल जो था वो अधूरा बना, उसका सेकंड पार्ट नहीं बन सका। बट फिर दोबारा जब बनाया उन्होंने तो वो बात नहीं आ सकी जो पहले में थी। और उसमें मेरी को स्टार सादिया खान, जो ईमान का रोल किया, आई थिंक दैट वाज अल्टीमेट। और वो लगता है कोई और नहीं कर सकता था उस तरह जिस तरह सादिया ने किया, और सादिया की वही पहचान बनी। शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई होप इफ शी इज वॉचिंग मी नाउ, इफ शी इज एबल टू कम ऑनलाइन, I would love to see her live, and because there's so many fans of me and Sadia who want to watch us together on screen and even off screen. और हमें बड़ी बड़ी लोगों ने मशवरे आ रहे होते हैं कि आप बस लेकिन सादिया मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। देखते हैं कि सादिया अगर ऑनलाइन है तो बड़ा मजा आएगा कि हम साथ इस वक्त यहाँ कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और थैंक यू सो मच जी फॉर लाइकिंग थोड़ा सा हक, एक बार शिफा बोलो, शिफा बोल दिया ठीक। इमरान अब्बास सर, सादिया मैम ने अभी मैसेज किया आपके लिए, हाय। अच्छा सादिया, इफ यू देयर लेट मी चेक, अगर आप हैं तो बस आ जाए, ऑनलाइन मजा आएगा। ओ यस, सादिया इज देयर जनाब, सो हु इज गोना कम नाउ लाइव विद मी इज माय डियरेस्ट फ्रेंड सादिया खान। हे सादिया, क्या हाल हाय, है? अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक सादिया, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका भी अभी मैसेज मैंने तुम देखा रात के इतने बजे भी इतनी प्यारी लग रही होती हो, कमाल है यार। मैं क्या करे क्वारंटीन में इमरान, आई हैव नथिंग टू डू, क्या करे। मैं शाम को शावर तैयार हो लिया, जाती मैंने हो? थोड़ा तैयार हुई, मैंने कहा फ्रेश फील करती हूँ, डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट चल रहा है और कुछ भी करने को नहीं है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, True. कपड़े पहन के पिक्चर्स हाँ, ये लेती हूँ। अपने और यार पॉजिटिव रहना अच्छा, बहुत जरूरी है इन हालात में इमरान, मतलब पूरा पर दिन अपने घर आप पे, पूरी को रात घर पे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो फेस ऑल दिस सिचुएशन। सादिया यकीन करो, तुम्हारे इतने फैंस, इतने मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि, सुन रही है ना ये आप, हाय, क्या याद करवा दिया। सादिया, दिस इज सो मैजिकल एंड इट ऑलवेज टेक्स यू बैक टू दैट टाइम व्हेन वी। एंड द बेस्ट बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। आपने तो बहुत सारे सीरियल किए इमरान, और मैंने तो लाइफ में आई थिंक 5-6 मतलब इतने ही किए हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग कि मेरी ये पहचान बना ये सीरियल। और मतलब रोंगटे खड़े होते हैं अभी भी सुनो तो। इट्स बिन अ है ना? वाइल हाँ, कि जब अब मुझे अभी याद भी है कि जब सुनूं तो जब कुछ जब होता ये है। ऑफर हुआ था तो अच्छा, उस वक्त मैं आपको बड़े मजे की बहुत सारे लोगों को बताऊं कि सादिया की कास्टिंग जो थी ना वो बहुत अचानक हुई। एक और हमारी एक्ट्रेस थी, वो एक सीरियल कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली उनके भी इश्यूज हो गए एंड वो नहीं आ सकी, तो हमें फॉरन फिर हमें कास्ट करना था। और मुझे मेरे एक दोस्त है तैयब, उन्होंने मुझे सादिया की तस्वीर भेजी कि सादियों से मॉडलिंग कर रही थी, उसे कोई टीवी पे काम नहीं किया था। तो मेरे जो डायरेक्टर अंजुम ने कहा कि यार बहुत खूबसूरत लड़की है ये तो, एंड शी इज टेलर मेड फॉर दिस कैरेक्टर। मैंने कहा पता नहीं एक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो मैं भी बड़ा डर गया कि इतना बड़ा सीरियल है और हम किस तरह, किस तरह अल्लाह का नाम लेके बुलाते हैं। एंड व्हेन शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतनी, एक तो माशाल्लाह प्यारी है और सब भी बहुत प्यारी थी। मुझे लगा कि जब दुपट्टा उसको थैंक उड़ा के यू। लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए, तो लगा कि ईमान इससे बेहतर, और अल्लाह का शुक्र है कि जो दूसरी खातून जो कर रही थी वो नहीं कर पाई, और सादिया उसमें आई, और सादिया का आना उसके लिए आई थिंक इतना लकी साबित हुआ कि अगर वो मैं कोई एक और बात करता तो बता शायद दूं, ये यहाँ पे सब खुदा मोहब्बत वो लोगों बनता ही के ना। इस कास्टिंग के लिए अंजुम का कॉल आया, मुझे जवेरिया का फोन आया, मुझे साउथ का आया, एंड आई रिफ्यूज ऑल ऑफ देम कि मैंने नहीं करना, मैं कराची में नहीं आ सकती, मैं वहां नहीं रह सकती, ये वो। और जब इमरान का फोन आया तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इमरान अब्बास कॉल्ड मी,
मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, एंड आई सेड यस मैं करूंगी सीरियल. मेरा ऑडिशन ये हुआ था, कुछ भी नहीं था कि सर पे दुपट्टा लेकर दिखाओ, एंड मैंने लिया तो डायरेक्टर कहते हैं बस. मैंने कहा क्यों, मतलब कोई डायलॉग नहीं बोलना? तो कहते नहीं, हमने सिर्फ ये देखना था कि किस लड़की को सर पे दुपट्टा सूट करता है, एंड यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल. और उसमें उसमें मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छी बात ही यही थी सादिया कि उसके अंदर जो ईमान की एक सादगी और प्योरिटी थी ना उस रोल के लिए, उसमें उनको कोई ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी जो कि जिसकी स्क्रीन में कोई ना हो, और उसकी शक्ल पे इनोसेंस इतनी हो कि वो लोग जब वो मरे तो लोग अभी तक रोते हैं, यकीन करो अभी तक रोते हैं. तो मैं वो myself cried जब मैंने last, हाँ मैं जब देखता हूँ तो मैं रोई. मैंने कहा यार मैंने तो एक्टिंग की है इस सीरियल में, और जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों को पता ही नहीं एक्टिंग क्या होती है और कैसे शूट किया जाता है, कैसे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा. मैंने अभी रिसेंटली एक उर्तगुल मैंने सीजन शुरू किया था, और उसमें जब वो जो मेन एक्ट्रेस थी उसकी डेथ हुई, तो आई स्टॉप वॉचिंग दैट सीरियल. तब मैंने रिलेट किया, मैंने कहा या खुदा और मोहब्बत इस वजह से लोगों ने मुझे कहा कि हम अब नहीं देख रहे, बिकॉज ईमान मर गई, हम नहीं देख रहे ये वो. तो मुझे समझ आई कि लोगों के कितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कितने लोग अटैच थे इसके साथ. और यू आर अमेजिंग इमरान, आपने मेरी डेथ के ऊपर जो आप रोए थे दैट वाज ऑल रियल. मैं सब लोगों को बता रही हूँ कि आपकी बहन की उन दिनों डेथ हुई भी थी, और सब कट हो चुका था शूट, कैंसर उन्होंने कह दिया था डायरेक्टर ने कट, लेकिन आप रोना नहीं बंद कर रहे थे, आपने सबको रुला दिया था, इवन मतलब मैं उस वक्त, कि वो रियल सीन है, तभी तो लोगों के दिल में वो बैठ गया है कि आप जो भी कर रहे थे वो एक्टिंग नहीं थी, दैट वाज ऑल रियल. और स्पेशली एक वो सीन सादिया, मैंने जो दोनों दफा वो सीन किया जब वो ट्रेन के पीछे भागने वाला सीन, तो वो भी इतना इंटेंस और इतना पावरफुल था जब वो हमाद उसको देखता है, और वो बड़ा प्यारा सीन था कि वो उसको पता है कि वो उसको नहीं मिल सकती, और उसको तेरे से बात देखता है, और वो अब्दुल्ला के साथ वो ट्रेन में जा रही होती है, तो वो इतना हेल्पलेस हो जाता है, और वो लड़की उसको देख के इतनी अजीब सा होती है, उसका हैरान इतनी हैरत होती है कि ये मेरे इश्क में क्या से क्या बन गया, और ये फाइनली पुली बन गया, किस तरह बड़ी अपनी वो पूरी गर्मी थी, 45 प्लस टेम्परेचर था, आप इतनी दफा गिरे थे मुझे याद है, आपके घुटने छिल गए थे, आपके कपड़े फट, घुटने मेरा मुंह जल गया था, इसलिए कि लाहौर की गर्म तरीन दिन थे, प्लेटफॉर्म की गर्मी, HMIC की गर्मी, स्टेशन की गर्मी, इंजन का धुआं और वो गर्मी, और मुझे उसके फौरन बाद उसमें डाला था, वो लोगों ने एक्चुअली फील किया, दिल से किया, देयर वाज समथिंग, कुछ था इसमें, इस कैरेक्टर में. सादिया मैंने उसके फौरन बाद मुझे अपनी फिल्म के लिए शूट के लिए जाना था इंडिया, ऐ दिल है मुश्किल का गाना जो था वो ब्रेकअप सॉन्ग, और मेरा मुंह लिटरली सूज गया था, मैं गिरता था बार बार, तो वो मेरा बिल्कुल मेरा फेस जल के सूज गया था. और जब मैं वहां इंडिया भी पहुंचा तो जितने भी मेरे लोग थे वो सभी कह रहे थे क्या हुआ है आपको, और मैंने कहा भाई मैं एक ऐसा करके आ रहा हूँ काम जो आप लोग अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना मेरे दिल के करीब है, उसमें मैंने कितनी एफर्ट पुट किया. सो आई वाज वेरी अपसेट ऑनेस्टली व्हेन दिस सीरियल वाज नॉट नॉमिनेटेड, एंड जिस तरह के हमारे अवार्ड्स होते हैं उसमें मुझे कभी अवार्ड्स का कोई लालच नहीं हुआ, लेकिन मुझे हैरत होती है कि लोगों को क्यों नजर नहीं आता कि आप जब बाहर निकलते हैं और आपको जब तो आप पेशावर फ्रंटियर पर उस बॉर्डर पे चले जाएं, चाहे नॉर्थ या चाहे साउथ के बॉर्डर पे या उस कोने में, आपको कहीं खुदा और मोहब्बत के फैन ऐसे नहीं है जो ना मिले. तो ये लोगों के फोन्स में अभी तक उसके डायलॉग्स हैं, उसके अभी तक मीम्स, उसके मीम्स कह रहा हूँ, उसके जो वो बनते हैं जो शेयर लिख लिख के उसकी जो एडिट करके लोग पोस्ट बना रहे होते हैं, हालांकि कितना पुराना हो गया वो सीरियल, लेकिन लोगों के दिल से वो नहीं होता. कोई भी ड्रामा हिट होता है हम भी देखते हैं, मतलब कुछ महीनों बाद लोगों के दिमाग से वो निकल जाता है, लाइक मतलब इतने साल हो गए हैं, लोग आज भी, मैं कोई पिक्चर पोस्ट करती हूँ नीचे खुदा और मोहब्बत का नाम जरूर आता है आज भी. तो मतलब हमारा अवार्ड तो यही है, हमारे फैंस जब हम बाहर जाते हैं उनका प्यार, उनकी जो भी हमारे लिए मोहब्बत है, हमारा तो यही अवार्ड है, हमारे लिए और अवार्ड कोई मायने नहीं रखता. आपको पता है मैं कभी अवार्ड पे जाती नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको नॉमिनेट करें या नहीं करें, इतनी लोगों की मोहब्बत, इतना प्यार जो है वही हमारे अवार्ड्स हैं इमरान. एक्चुअली बिल्कुल सही, बिल्कुल. सादिया क्या होता रहता है आजकल, क्या करती रहती है, कोई हॉबीज, कुछ नया कुछ एक्सप्लोर किया अपने अंदर कुछ और? एक्चुअली जहाँ पे इसके नुकसान है, आइसोलेशन जो क्वारंटीन चल रहा है, वहाँ बहुत सारे फायदे भी हैं, आपको बहुत सारा टाइम खुद को जानने में, जो आपको पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग किस दौड़ में, किस भाग दौड़ में चल रहे थे, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ठहर के अपने अंदर झांकना, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. कि मैं ऑब्वियसली लेट उठती हूँ, कभी कभार नमाज भी पढ़ लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, लेकिन अब एक ठहराव सा आ गया जिंदगी में, वो भाग दौड़ खत्म हो गई है. वो जो अजीब सा एक चल रहा था कि हर कोई भाग रहा है, हर मतलब अजीब सी चीजें चल रही थी,
वो खत्म हो गया है, आपको फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजारने को मिलता है और रियलाइजेशन हो रही है असल में कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जो हमारे पास इतना कुछ है हम भूल चुके हैं। सादिया कुछ कुछ तुम गाती भी तो हो ना माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती हो तुम। नहीं मैंने कभी सीखा नहीं यार, बस थोड़े से लोगों नहीं सीखा तो नहीं है लेकिन तो कोई कोई प्लान है, हम ये भी तो प्लान कर रहे थे ना मिलके कुछ एल्बम निकालने के, कुछ एक दो अपने नंबर्स निकालने के लिए। हाँ अब कर सकते हैं, अब टाइम है, हम दोनों कर सकते अब टाइम हैं, है गा सकते हैं। आप इतना अच्छा गाते हो, मैं इतना अच्छा नहीं सादिया, गाती। कुछ कुछ हो जाए, कुछ कुछ हो जाए मेरे फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए, खुदा मोहब्बत के फैंस के लिए। मतलब क्या अभी अभी कुछ ठीक सुनाओ है, ना अच्छा सा कुछ। ठीक है एक सेकंड मैं जरा ये बंद करता हूँ। आप शुरू करो, मैं आपका साथ देती हूँ इमरान। नहीं, ये मैं तो अभी मैंने अदनान से देखी, भाई ने बहुत मिलकर गाया है, अब तुम गाओ अकेले। नहीं प्लीज मेरे साथ गाओ, मेरी प्रैक्टिस जीरो तुम है शुरू तो अभी। करो शुरू करो शुरू करो, देखते हैं अगला सका तो। करू सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दू, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। एक लाइन आप गा दो प्लीज। खुदा के नाम पे, खुदा के नाम सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही वाह एक माशाल्लाह खुदा और माशाल्लाह, मोहब्बत, पढ़ू आयत कोई सूरत, सनम के माशाल्लाह नाम का कलमा ये माँ है, बगावत है जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा तू, मेरा तावीज मन्नत है, खुदा के नाम में पिनहा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम मोहब्बत है, ब्यूटीफुल, खुदा खूबसूरत। जैसी खुदा ही तो मोहब्बत है, खुदा के नाम पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। सादिया कहाँ चली गई? मैं इधर ही हूँ, आवाज आपकी बहुत कट कट कर आ रही है। बहुत खूबसूरत गाया है इमरान, एज ऑलवेज थैंक बहुत यू। खूबसूरत। इस गाने में आई मेरे थिंक सिग्नल अपने दिल के कोई, जज्बात शामिल हो जाते हैं। आई नो खैर बहुत अच्छा हुआ हम लाइव आए एक साथ, बिकॉज हमारे फैंस हमें बहुत अरसे से एक साथ देखना चाह रहे अभी हैं। तो खैर बहुत एक ही सिंगल, मेरे ख्याल एक्सीडेंटल सा था ये हमारा आना। ऐसा करते हैं कल या परसों प्लान करते हैं प्रॉपर, ठीक है? तो अभी जो भी हमारे हाँ फैंस हैं वो तैयार रहे, हम कल तो मैं शायद रीमा जी के साथ आऊंगा, परसों फिर हम आते हैं और प्रॉपर ठीक है, हम, ठीक है? तो आप जो भी सवाल हमसे करना डन चाहते हैं मुझसे और सादिया से, तो हम सादिया के पेज पर भी आएंगे और मेरे पेज पर भी आएंगे, तो आप सादिया को डन। भी ईमेल कर सकते हैं और मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल जो हमारे प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, एंड आस्क एनी डिसेंट क्वेश्चन विच यू वॉन्ट टू एंड वील डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई टू आंसर डिसेंट क्वेश्चन, मेक श्योर वो शर्त है कि डिसेंट होना चाहिए। ठीक है डिसेंट और तमीजदार, ठीक है? तो चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सादिया एज ऑलवेज, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू सेम है गाइस इमरान, हु वाचिंग अस लाइव। आई अभी एम इंशाल्लाह परसों फिर हम दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है? ठीक टाइम हम आपको बता देंगे अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह। राइट, टेक केयर ऑफ टेक केयर, योरसेल्फ एंड स्टे टेक सेफ केयर, एवरीवन। लाफ इट, यू टू, यू टू। ओके सारी। ओके टेक केयर।